हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी जस्ट मैं ब्रश कर रही हूँ। अभी सब लोग सो रहे हैं, बच्चे वगैरह सारे सो रहे हैं। और आज सुबह 5 बजे उठने का रीज़न था क्योंकि आज है वट सावित्री व्रत, तो बस मुझे व्रत की पूरी तैयारी करनी थी। और धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है और जल्दी हो जाती है, तो मुझे जल्दी से जल्दी जाकर पूजा करनी थी। और जहाँ पर मैं पूजा करने जाती हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो 7 बजे के पहले कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ जाकर पूजा कर लूँ। तो ब्रश मैंने कर लिया है, अब मैं सीधे जाऊँगी वॉशरूम में और जाकर नहाऊँगी। अभी मैं गाउन ही पहन लूँगी नहाने के बाद, क्योंकि अभी मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है, पूजा का प्रसाद भी तैयार करना है। तो अभी मैं जस्ट नहाने गई हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले मैं पूजा की तैयारी करूंगी, क्योंकि पूजा में हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत में गुलगुले वगैरह बनाए जाते हैं और बरगद जिसको बोलते हैं, और हमारे यूपी साइड में इसको बरगद बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। मैंने आटा सान के रखा हुआ है और एक तरफ मैंने घी को चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो इसके बस मुझे छोटी छोटी सी गोलियाँ बनानी हैं, छोटे छोटे से बॉल्स बनाए जाते हैं, और बस उसी बॉल्स को हम बरगद कहते हैं। और उसे हमको अच्छा धीमी आंच पे देसी घी में फ्राई करना होता है। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ और फटाफट से बरगद वगैरह बनाकर तैयारी कर लूँगी। हमारे यहाँ से बरगद और खरबूजा चढ़ाया जाता है, बहुत सी जगहों पे पूड़ी, आम, बैंगन, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। सब जगह अपने अपना नियम होता है, आपके यहाँ कैसे होता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं किचन में हूँ, बच्चे अभी भी सो रहे हैं, हस्बैंड उठ गए थे, और बस मैं फटाफट से सबसे पहले बरगद बना लूँगी। तो 12 बरगद चढ़ाए जाते हैं, 12 बरगद कोछे में डाले जाते हैं, तो इस तरह से 24 बरगद 25 बरगद मैं भी बना लूँगी। बाकी मैं जो आटा बच जाएगा मीठा वाला उसकी मैं पुए बना लूँगी, तो वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मुझे जल्दी से पहले जो पूजा के भोग की तैयारी करनी है। तो देखिए, अभी हस्बैंड आ गए थे तो उनको गर्म पानी चाहिए था पीने के लिए, तो मैं उनके लिए गर्म पानी भी करने लग गई थी। तो बीच बीच में दूसरे काम भी निपटाते जा रही हूँ। एक तरफ मैंने चावल भी को दिया है थोड़ा सा, क्योंकि चावल का ऐपन लगता है, और गोलियाँ मैंने बना ली हैं, तेल भी गर्म हो चुका है, तो आधे आधे करके मैं इन गोलियों को पकने के लिए डाल दूँगी। और एक तरफ मैंने राइस को थोड़ा सा भिगो के रख दिया है, क्योंकि राइस से ऐपन तैयार करना है और ऐपन पूजा में लगता है, तो आप देख सकते हो। तो देख लीजिए, बरगद मेरे हल्के हल्के से गुलाबी होने लगे हैं। इसे ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, और इसे मैंने पका लिया है। देसी घी का जो धुआं होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। ये बरगद मेरे जले नहीं हैं, इसी कलर के हमें बरगद बनाने होते हैं। तो बस जो बाकी के बरगद हैं वो भी मैं इसी में डालकर गोलियां फटाफट से फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी दूसरी चीज़ों की। तो चावल को मैंने भिगो कर रखा हुआ है, तो चावल भी भीग चुका हुआ मेरा। और एक तरफ मैंने जो कच्चा सूत होता है उससे माले तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए, मैंने दो माले तैयार किए हैं, एक माला जो चढ़ाया जाएगा और एक माला जो मैं पहनूँगी। तो बस ये मैंने कर लिया है, और अब हल्दी के जो घोल होता है उसमें मैं इसको डिप करके सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जो हम माला कच्चा सूत का पहनते हैं उसको हल्दी और कुमकुम लगा के तब पहना जाता है। ये हल्दी कुमकुम बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बस मैं इसको फटाफट से हल्दी में डिप करके अच्छे से निचोड़ दूँगी, और निचोड़ के इसे सूखने के लिए रख दूँगी। तो जब तक मैं पूजा के लिए तैयार होंगी तब तक ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो बस अभी मैंने इसको अच्छे से ऐसे कर लिया। इसको आप किसी चीज़ में फंसा कर टांग दो अगर, तो भी ये अच्छे से जल्दी सूख जाते हैं। मेरी मेहंदी का कलर बहुत ही अच्छा आया है, आप देख सकते हो। मैंने मेहंदी कल ही लगा ली थी, और मेरा मेहंदी का वीडियो जो है वो बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो मैंने बनाया था, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन पाया था। तो मेहंदी मैंने कल ही लगा ली थी, और ये देखिए मेरी पूजा की लगभग सारी तैयारी हो गई है। तो पूजा की थाली में मैंने कुमकुम, चावल, हल्दी, और एक जो छोटा सा डिब्बा है इसमें जल, गंगा जल, कच्चा सूत, और जो चढ़ाने वाला सामान है बिंदी, सिंदूर वगैरह, वो सब मैंने रख लिया था। इस वाली जो शीशी में मैंने कच्चे चने रखे थे, चनों को रात में भिगो के रख देते हैं, और उसको चने को हमें एक साथ 12 चने एक साथ पानी के साथ गटकने होते हैं, तो ये भी एक नियम है। और साथ में मैंने दो खरबूजे, आम, ये सब भी निकाल के रखे हैं, वो मैं एक थैले में रख लूँगी। और एक बॉटल में मैंने साफ़ पानी रखा है जिससे मुझे चने को गटकना होता है। तो बस पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है मेरी। तो फ्रेंड्स, मैं भी फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तो मैंने पहनी आज रेड कलर की साड़ी। हमारे यहाँ एक
कुछ भी कह सकते हो आप, नियम है कि जो शादी में साड़ी चढ़ती है वही साड़ी हम जो भी पूजा पाठ होता है हमारे यहाँ करवा चौथ हो या बरगदाई हो हम वही साड़ी हमेशा पहनते हैं। तो ये जो साड़ी है ये मेरी शादी की साड़ी है, इसका ब्लाउज़ मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने जो मेरी रेड और वाइट वाली साड़ी है उसका रेड ब्लाउज़ मैंने इसके साथ पहना था, क्योंकि पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है तो वज़न थोड़ा सा मेरा भी इधर पुट ऑन हो गया था, तो मैंने इसके साथ ये वाला रेड वाला ब्लाउज़ पहना है। और मैं भी बहुत ही हल्का सा मेकअप करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और इस गर्मी में मेकअप तो वैसे भी नहीं टिकना है, बस जल्दी से जल्दी किसी तरह से तैयार होकर जाकर मुझे पूजा करना है। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करने वाली हूँ तो बस फटाफट से हल्का फुल्का मेकअप करके बस तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। बच्चे अभी भी सो रहे हैं और हस्बैंड नहाने गए हैं क्योंकि उन्हें ही मेरे साथ जाना है, मैंने बच्चों को जगाया था कि वो चले मेरे साथ, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो शूट वगैरह करने में थोड़ा आसान हो जाता है, हस्बैंड कभी भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो बट बच्चे नहीं सो के उठे तो हस्बैंड को मैंने बोला आप फटाफट से चलो, क्योंकि वही मुझे लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जहाँ से मेरा घर है वहाँ से बरगद का पेड़ तक काफ़ी दूर है तो और सा काफ़ी सामान होता है तो वो मुझे साथ में ही लेके जाते हैं। तो वो नहाने गए हैं और मैं तब तक फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। और ये वाला जो साड़ी है ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और ये साड़ी मुझे मेरे हस्बैंड ने ही शादी के पहले गिफ्ट करी थी। तो हल्की सी बस लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक क्योंकि रेड साड़ी है और ज़्यादा कुछ खास मेकअप नहीं करना है मुझे, तो बस हल्का फुल्का मेरा मेकअप हो गया है। अब जल्दी से बनाऊंगी बालों को और सारी तैयारी मेरी लगभग पूजा की हो चुकी है, केवल मुझे अभी ऐपन पीसना है क्योंकि अभी मैंने ऐपन को पीसा नहीं है, बस मुझे वही पीस कर रखना है, बाकी सारी तैयारी मैंने लगभग कर ली है। और पैरों में रंग लगाना है क्योंकि अभी मैंने पैरों में रंग भी नहीं लगाया है, तो बस ये दो काम करूँगी तब तक हस्बैंड भी तैयार हो जाएंगे और मैं भी फटाफट से तैयार हो जाऊँगी। तो बस अभी बचा है मेरा बालों को बांधना, तो बस बालों का एक सिंपल सा जूड़ा बनाऊँगी। तो बस इस हेयर स्टाइल को अगर आप देखना चाहते हो मैंने कैसे बनाया है तो आप मुझे मेरे जो सेकंड चैनल उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे भी मैं इसकी पिक्स वगैरह डाल दूँगी। तो बस जूड़ा मैंने बना लिया है और मैं हो गई हूँ पूरी तरह तैयार, तो चलिए चलते हैं मंदिर और उसके बाद करते हैं पूजा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धूप नहीं देना चाहती हूँ। अभी बज रहे हैं 6 और अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास, तो मैं 7:45 तक हर हाल में यहाँ से निकल जाऊँगी, बस हस्बैंड को आना है और मुझे जो थोड़ी बहुत तैयारी करनी है वो रह गई है। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए चलते हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो मैं और हस्बैंड हम दोनों ही निकल चुके हैं, बच्चे नहीं गए थे हमारे साथ, तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। तो मैं आ गई हूँ मंदिर और मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि मैं जहाँ जाती थी हमेशा वहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, तो हस्बैंड पहली बार मुझे ये नई जगह पर लेकर आए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और जो जगह थी वो भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी और अच्छी खासी जगह थी। तो बस यहाँ पर कोई था नहीं शूट करने के लिए तो मैंने एक जगह कैमरे को रख दिया है, आपके लिए थोड़ा बहुत शूट कर पाई हूँ। तो पूजा करते समय खुद शूट करना ये अच्छा नहीं लगता है और फिर आप पूजा की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए मैंने एक तरफ कैमरा रख दिया था। जो भी शूट हो पाया है आई होप आपको अच्छा लगेगा, कोशिश की है मैंने। तो बस ये एक छोटा सा जो व्लॉग है मेरा आज वट सावित्री व्रत का वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप में से कौन कौन वट सावित्री व्रत रखते हैं और किनके किनके यहाँ होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और व्लॉग कैसा लगा ये भी मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं पूजा और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ।
तो बस अभी पूजा करके वापस आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, धूप आप देखो कितनी ज़्यादा है, और मंदिर का दिया भी जला दिया है। कोई गया नहीं था साथ में इसलिए थोड़ा शूट करना दिक्कत थी, हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है शूट वूट करने में, तो बस बच्चे कोई गए नहीं थे। अगर बच्चे साथ में जाते तो एक बार शूट करना थोड़ा आसान होता, पर जितना शूट कर पाए उतना आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप आपको ये मेरा व्हाट्सएप इतनी व्रत पसंद आया होगा। पंखा चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना, गर्मी बहुत लग रही है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार, बाय।